बेटी मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। गाइस वीडियो है एक छोटी सी बच्चे की जिसकी उम्र मुश्किल से 6-7 साल होगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। तो गाइस लिटरली उसकी बात को सुनी जाती है, वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल होती है। इस बारे में आप क्या कहोगे कि बच्चे के मुंह पर इस वक्त पीएम मोदी का नाम है? लेकिन इंडिया के अंदर जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है उसके राइज की वजह क्या है? उन्होंने इतनी मोहब्बत फैला दी है, ये जो लास्ट उनके 7-8 साल गुजरे हैं तो हर बंदा उनका फैन है। काफी प्राउडली और काफी फखर से और काफी खुशी अंदर से महसूस होती है जब ऐसे भी छोटे छोटे बच्चे, इवन जिन लोगों को अभी अपना नाम याद नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनकी जुबान पे जो है प्राइम मिनिस्टर का नाम होता है तो काफी अच्छा लगता है। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ज़हनी तौर पर अपने आप को इंडियन नेशनल एक्सेप्ट नहीं किया? मैं तो साफ कहूंगा कि मोदी का जो नाम है ना, ये बेशक हमारे नजर में वो ठीक नहीं है, लेकिन उसने जो अपनी अवाम के लिए किया, अपने मुल्क के लिए किया, वो एक हिस्ट्री में उसका नाम जिंदा रहेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में होते हुए भी वो दर्द जो है वो आलम इस्लाम का रखता है, वो दर्द अपने सीने में फलस्तीन का रखता है, वो इराक सीरिया शाम का रखता है। उनको अभी जो 10 साल पूरे होने वाले एक ही प्राइम मिनिस्टर को इंडिया में, और उनके 73 साल हो गए हैं, दोबारा फिर उसी ने आना है। कौन सा कॉन्फिडेंस है कि वो बार बार आ रहे हैं? वो बस काम अच्छे कर रहे हैं। हाँ। वो किसी के साथ बेईमानी नहीं कर रहा। हाँ। एक चाय बेचने वाला बंदा था वो, ठीक है, तो मारे देखो कि शुरू से लैंड लॉर्ड है तो फिर भी चोरियां कर रहे हैं। तो मोदी जी का चिट्ठी का इंतजार है आपका? हाँ, बहुत है। बहुत इंतजार है। कौन सी क्लास में हो? मैं 5th क्लास में। क्या हर बंदा मोदी जैसा बन सकता है? हाँ, जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक हम मोदी जैसे नहीं बन सकते। जय हिंद दोस्तों, पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के कांकरे में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। वहां पर एक छोटी सी बच्ची काफी देर से पीएम मोदी की पेंटिंग को लहरा रही थी। मंच पर भाषण देते हुए जब पीएम मोदी की नजर उस बच्ची पर गई तो पीएम मोदी ने भाषण बीच में ही रोक दिया। उन्होंने बच्ची से कहा, बेटी मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन बेटी तुम थक जाओगी, कब से खड़ी हो? पीएम मोदी ने पुलिस जवानों से कहा, अगर वो तस्वीर देना चाहती है तो उससे ले लीजिए। उसके बाद उन्होंने लड़की को पेंटिंग के लिए थैंक यू कहा। पीएम मोदी ने कहा, पेंटिंग के पीछे अपना पता लिख देना, मैं तुमको जरूर चिट्ठी लिखूंगा। वहीं पर इस वायरल वीडियो को देख पाकिस्तानी मीडिया भी पीएम मोदी की तारीफ कर रहा है कि पीएम मोदी अपने देश के बच्चों से कितना प्यार करते हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी उनकी गवर्नमेंट आई है, उसने इकोनॉमिक फ्रंट्स पे और साइंटिफिक फ्रंट्स पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है उसके राइज की वजह क्या है? क्योंकि इस सेंटिमेंट को फिर पाकिस्तान का जो राइट विंग एलिमेंट है, देखा ना, कायद आजम साहब ठीक कहते थे कि अलहदा मुल्क जरूरी है, अगर इंडिया में होते तो तुम्हारा यही हशर होता, तो इसकी वजह क्या है? जब से हिंदुस्तान की तकसीम हुई है तब से लेकर आज तक बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके चलते धीरे धीरे एक दिन ऐसा होना ही था। मैं कहां से शुरू करूं? अगर आप मुझसे ये कहें कि अरविंद आप ये बताएं कि हिंदू नेशनलिज्म को आप क्या अच्छा समझते हैं, तो मेरा जवाब होगा मैं बिल्कुल नहीं समझता। मैं ये समझता हूं कि मजहब की बुनियाद पर कौम परस्ती जो है वो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है जिससे कि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो क्या वजह है कि अब हम 2023 के अंदर बैठ के इंडिया जो है धीरे धीरे उस तरफ जा रहा है? उसकी वजह हिंदुस्तान की तकसीम है। उस तकसीम के बाद में हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनका रवैया है इस मुल्क को लेकर, फिर उसके बाद में उनका अपनी ही सोसाइटी के अंदर जो जबर है, जो वो अपने बच्चों से करते हैं, अपने घर की औरतों से करते हैं, उन्हें हमारे मुआशरे में इंटीग्रेट नहीं होने देते। फिर आप ये देखें कि मुसलसल हिंदुस्तान के ऊपर जो पिछले 76 सालों के अंदर जंगें मुसलत की गईं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पे जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर एक ग्लोबल फैक्टर है कि जो कि आप देखें दुनिया भर में, अगर आप मुसलमान हैं किसी भी मुल्क में चले जाएं वेस्ट में,
तो आपको एक चीज सबसे नुमाया मिलेगी कि जहां कहीं भी मुसलमान जा रहा है, किसी भी एयरपोर्ट पर वो लैंड होता है, तो उसे एक जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। वो भी एक वजह है, ग्लोबल जो एक टेररिज्म का एक केस है जिसके ऊपर मुसलमान शायद शर्मिंदा है, बैकफुट पे है, हर वक्त अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है कि नहीं जी, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस और मुसलमान ये चंद लोग हैं, ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं। उसके बाद आईएसआईएस, अलकायदा, बोको हराम, यू नेम इट। उसके बाद हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप ये देखें कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का एक बहुत बड़ा मसला था 90s में। फिर देखें आगे चलते चलते हमारे हमारे जो कम्युनल राइट्स हुए, ये वो सारी चीजें हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हिंदू नेशनलिज्म की राइज के अंदर। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ज़हनी तौर पर अपने आप को इंडियन नेशनल एक्सेप्ट नहीं किया, अरविंद, इस वजह से रिएक्शन आया? जी, मैं ये समझता हूं कि जब बंटवारा हो गया और हिंदुस्तान में मुसलमानों को ये कहा गया कि जो पाकिस्तान जाना चाहता है वो जाए, लेकिन जो नहीं जाना चाहता वो यहाँ पर पूरी आजादी के साथ में रह सकता है, आपके साथ में किसी भी किस्म का कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा, तो इससे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो यहाँ रह गए थे उनके जहन में एक सवाल ये होना चाहिए था कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इसके जो फाउंडिंग फादर्स हैं मॉडर्न इंडिया के, उन्होंने ये बात बिल्कुल वाजे कर दी है कि इस मुल्क का आईन क्या होगा, इसका दस्तूर क्या होगा। तो उसके बाद भी एक कश्मकश वहां पे पैदा हुई जिसको बिल्कुल भी पैदा होने की जरूरत थी ही नहीं। 2-3 साल लगे हमें मुसलमानों को ये बात समझाने में कि भाई आप भी कॉमन लॉ को एक्सेप्ट करें, आप भी मेन स्ट्रीम हो अपने पूरे सोसाइटी के एक जो है इंपॉर्टेंट हिस्सा बन के आगे आए। मगर जो आपकी क्लर्जी है, जो वहां पे लीडरान थे, बारिंग अ फ्यू यू नो पीपल, ज्यादातर जो है वो 1937 का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसी के साथ में ही अपने आप को देख रहे थे। और यही वो वजह है कि तब से लेकर आज तक हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में होते हुए भी वो दर्द जो है वो आलम इस्लाम का रखता है, वो दर्द अपने सीने में फलस्तीन का रखता है, वो इराक, सीरिया, शाम का रखता है। मुस्लिम क्लर्जी का ये मुतालबा कि मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ट्रीट किया जाए, ना कि इंडियन कॉमन लॉ के तहत ट्रीट किया जाए, इस नाजायज और गलत मुतालबे को एक सेकुलर मुल्क के अंदर एक्सेप्ट करना, वो भी तो एक गलती थी ना अरविंद। और इस गलती की सजा, और अगर क्लर्जी ने अपने मफादात के लिए मुतालबा किया था और सेकुलर इंडिया के फाउंडर्स ने अगर इस मुतालबे को तस्लीम किया था, तो इस गलती की सजा आज इंडिया में बसने वाले मुसलमानों को क्यों दी जा रही है? अरविंद, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं नहीं समझता कि उनको सजा यहाँ के जो हिंदू हैं या यहाँ की जो हुकूमत है वो दे रही है, वो सजा उन्होंने खुद अपने ऊपर वो लेकर आए हैं। एंड लेट मी एक्सप्लेन दैट अ लिटिल बिट इन डिटेल। अब हुआ यूं कि जब मुसलमानों को इस बात का पता था कि ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क होगा, इस मुल्क के अंदर तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक होंगे, 3 साल क्यों लगे उनको ये बात समझने में? वो आखिरकार हमारे यहाँ पे जो उस वक्त की लीडरशिप थी उनका ये भी सोचना था कि अभी अभी मुल्क का बंटवारा हुआ है, हमारे अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिविजन्स हैं, हम इस चीज को बुनियाद बना के यहाँ पे मजीद खून खराबा नहीं होते हुए देख सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको टेम्परी बेसिस पे आप ये दे दें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख कर चले गए ये बात, आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है कि एक ना एक दिन रियासत को एक कॉमन लॉ सबके लिए लेकर आना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा, और इसका मतलब ये है कि माफ करें, मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आपका सवाल ये होता कि उस 1937 के पर्सनल लॉ को रखने से मुसलमानों का फायदा क्या था या नुकसान क्या हुआ है, मैं ये समझता हूँ कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ज्यादा हुआ है। मुझे लगता है कि उस वक्त की जो मुस्लिम क्लर्जी है
उसकी किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गई इंडियन क़यादत, और अगर वो मुस्लिम क्लर्जी का ये मुतालबा मुस्तरद कर देते कि हम आपको सेपरेट लॉज नहीं दे सकते, तो उसके बाद आज इंडिया के हालात इतने खराब ना होते अरविंद जितने के हैं। और आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है कि अगर एक सेकुलर स्टेट में तमाम सिटीजन्स के ऊपर इक्वल लॉज अप्लाई होंगे तो आज इंडिया उस रिलीजियस पोलराइजेशन का शिकार नहीं होता जिसकी वजह से आज वो रिलीजियस पोलराइजेशन का शिकार है। उन सेपरेट मुस्लिम लॉज की वजह से कम्युनिटी के अंदर मुसलमान क्लर्जी को बाकायदा ये पावर मिली कि वो अपनी कम्युनिटी के अंदर लोगों को सब्जुगेट कर सकते हैं, उनको निकाह पढ़ाने से इनकार कर सकते हैं, उनकी तलाक को डिक्टेट कर सकते हैं, उनके आयली मामलात को डिक्टेट कर सकते हैं। और ऐसे में इंडियन सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाती, ऐसे में इंडियन पुलिस कुछ नहीं कर पाती, और ऐसे में जो मुस्लिम क्लर्जी है वो वहां पर जाकर मजहब कार्ड प्ले करती है। अरविंद, उस मुस्लिम क्लर्जी को ये मजहब कार्ड प्ले करने की इजाजत देना क्या इनिशियल इंडिया के फाउंडर्स की एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज था? अरविंद, ये बहुत बड़ी गलती थी, अगर वो ऐसा ना करते तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आनी थी कि हम कोई डिबेट करते।